तो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं i3s टेक्नोलॉजी की, और ये भी बताने वाले हैं कि i3s टेक्नोलॉजी में कैसे क्लच से बिना सेल्फ बटन दबाए, सेल्फ स्टार्ट बटन दबाए ही गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी सिर्फ क्लच से। तो बने रहिए हमारे इस वीडियो में इस टॉपिक को पूरा देखने के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की। तो यहाँ पे i3s बटन दिया हुआ है, जो कि अभी यहाँ पे दिखा रहा है सिंबल कि ये ऑन है। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल थिंग कि बाइक स्टार्ट कर लेते हैं और फिर प्रोसेस आपको बताते हैं। तो अभी i3s मोड ऑन है, आप देख सकते हैं कि, और 6 से 7 सेकंड बाद बाइक अपने से ही बंद हो जाएगी, 7 से 8 सेकंड बाद। तो ये अपने से बंद हो गई एंड आप देखिएगा, यहाँ से मैं क्लच दबाऊंगा और ये स्टार्ट हो जाएगी। देखिए स्टार्ट हो गई। अब देखिए यहाँ पे मैं कोई सेल्फ बटन नहीं दबा रहा हूँ और यहाँ पे क्लच दबाते ही बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये देखिए देखिए बाइक अपने से स्टार्ट हो गई और 10 सेकंड बाद बंद हो गई। फिर देखिए, गाइस यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि i3s मोड इसलिए दिया हुआ है क्योंकि आप जब भी ट्रैफिक में फंसते हैं तो फ्यूल ज़्यादा कंजम्पशन ज़्यादा होता है फ्यूल का, तो पेट्रोल का ज़्यादा कंजम्पशन ना हो इसलिए इस फीचर को हीरो ने इंट्रोड्यूस किया है। तो जब भी आप ट्रैफिक में हैं और बाइक स्टार्ट है, आपकी गियर में है, तो न्यूट्रल कर लें उसको। ये देखिए i3s टेक्नोलॉजी होने की वजह से ये ऑटोमेटिक न्यूट्रल में आते ही बंद हो जाएगी और फिर आपको सेल्फ स्टार्ट बटन यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से सिंपली क्लच दबा के बाइक स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये क्लच से ही बाइक स्टार्ट हो गई। ये देखिए, तो आप सेल्फ स्टार्ट बटन का यूज़ किए बिना भी क्लच से गाड़ी स्टार्ट कर सकते हैं। तो कई लोग कमेंट में पूछ रहे थे कि क्लच से गाड़ी कैसे स्टार्ट होती है i3s मोड में, तो इस तरह से स्टार्ट होती है। तो कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू सो मच।